अंदर से हाथ लगाएंगे तो गीला हिस्सा है। अब जो होंठों के दोनों खुश्क हिस्से हैं इनको हम आपस से मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, मीम। मीम, दोनों होंठों के खुश्क हिस्सों को आपस से मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, मीम। अब जो अंदर वाला हिस्सा है होंठों के अंदर वाला हिस्सा, उसको तर गीला हिस्सा, हाथ लगाएं तो गीला सा हिस्सा महसूस होता है। इन दोनों को आपस से मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, बा बा। अगला है वाव, दोनों होंठों की गोलाई से, दोनों होंठों को गोल करें तो क्या पढ़ा जाता है, वाव वाव। नेक्स्ट है फा, ऊपर के दांतों के किनारे, जो हमारे पहले दांतन के जो किनारे हैं उनसे, और निचले जो होंठ का अंदर वाला हिस्सा है, निचले होंठ के तर हिस्से से, गीले हिस्से से क्या पढ़ा जाता है, फा। ऊपर वाले दांतों को जो किनारे हैं उनको हमने कहाँ पे लगाना है, निचले होंठ के गीले हिस्से से लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, फा फा। अब इनको पढ़ते हैं, मीमा मस्जिदुन, मीमा मस्जिदुन, बा ब बैतुन, बा ब बैतुन, वाव वरखुन, वाव वरखुन, फा फा फरोशतुन, फा फा फरोशतुन, मस्जिदुन बैतुन वरखुन फरोशतुन।